क्या हाल चाल है आपके। और गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी TVS जुपिटर का, और ये ओनरशिप रिव्यू है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। और जो जो इस चैनल पर नए आ गए हैं गाइस, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक और वीडियो लाऊँगा इसकी राइड रिव्यू की। अभी मैं इसके बॉडी डिज़ाइन और थोड़े फीचर्स की बात करूँगा इसमें, तो गाइस वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल इसकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। और यहाँ पे हमें ब्लैक में मिरर देखने को मिलते हैं, और जो TVS जुपिटर में क्रोम में मिलेंगे देखने को हमें। और ये स्कूटी हेडलैम्प है, यहाँ पे मैंने LEDs लगवाई हुई हैं। ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मेरी LEDs, और ये सिंपल लाइट है हेलोजन। और गाइस फ्रंट लुक देखें तो स्कूटी का बहुत सही है, ये वाले कट्स बहुत सही लगते हैं मुझे इसके, तो ये पूरी मतलब मैच होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसका जो रेट्रो चार्म है, थोड़ा रेट्रो चार्म भी देती है स्कूटर। और यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ये स्कूटर ऑफ द ईयर लिखा है स्टिकर। और यहाँ पे हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस एक इसकी चीज़ मुझे जो सबसे सही लगती है, एक तो इसमें अलॉय देखने को मिलते हैं हमें, और जो इसका जहाँ से हम हवा भरते हैं स्कूटी में, वो चीज़ बहुत यूनिक दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंड है ऐसे, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है हवा भरने के लिए। आप जिस टाइम हवा भरेंगे आपको पता लग जाएगा इसका फ़ायदा। तो गाइस अब साइड प्रोफाइल से देखते हैं स्कूटर को। हम साइड व्यू से बात करें तो साइड से भी बहुत स्कूटर बहुत सुंदर लगता है देखने में, TVS जुपिटर। और यहाँ पे मैट है जिसपे हम पैर वगैरह रख सकते हैं। लेग स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हुक प्रोवाइड की गई है जिसपे हम कोई थैला वगैरह टांग लें। और यहाँ पे हेलमेट के लिए दिया गया है आम स्कूटर की तरह। और यहाँ जुपिटर नाम क्रोम से लिखा गया है यहाँ पे। और अब पीछे की तरफ हम आए तो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, और ये LED है टेल लैम्प हमारा। और ये फ्यूल कैप दी गई है, यहाँ से हम फ्यूल भरते हैं। इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी, क्यों फ़ायदा ये है कि जब हम भी हम रिफिल कराते हैं अपना टैंक, तो हमें उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्कूटी से, क्योंकि एक्टिवा वगैरह का यहाँ पे होता है नीचे। और डिसएडवांटेज छोटी सी है, पर मैं कवर करना चाहता था इसमें, इसकी वजह से जो फ्यूल कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है टैंक की, टैंक थोड़ा छोटा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे ये है बूट ओपन करने के लिए, अगर हम राइट साइड करेंगे तो बूट ओपन होगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो फ्यूल टैंक। तो मैं इसकी बूट स्पेस दिखाता हूँ अब आपको। तो ये गाइस इसकी बूट स्पेस है, ये हेलमेट है, ये हेलमेट के नीचे वाली कवर, और ये टूल किट थी। टूल किट एक्चुअली यहाँ पे लगी हुई थी, पर इसका ये बैंड यहाँ वाला टूट चुका है तो मैंने ऐसे रखी है। तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, डीप है, और इस क्लास के स्कूटर के हिसाब से सही है। यहाँ पे हम आ चुके हैं अब स्पीडोमीटर की तरफ। इतनी मेरी स्कूटी चली है आप देख सकते हैं। और ये इको की लाइट दी हुई है हमें, और ये पावर की। जैसे हम सिंपल अगर आराम से स्कूटी चलाते तो इको की लाइट चलेगी, अगर हम थ्रोटल थोड़ा ज़्यादा तेज दें तो पावर की ऑन हो जाती है। थोड़ा आइडिया हो जाता है बंदे को कि किस हिसाब की एवरेज हमें मिलने वाली है और हम किस हिसाब से चला रहे हैं। और गाइस ये चीज़ सबसे बढ़िया मुझे बढ़िया लगती है इसकी और यूनिक लगती है, जो यहाँ पे डिपर का ऑप्शन दिया गया है, हाई बीम लो बीम के साथ डिपर का भी दिया गया है। जैसे बाइक में होता है यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे इसे नीचे करेंगे तो डिपर बच जाएगा हमारा। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है और जुपिटर में ही देखने को मिलता है। सबसे पहली बार हमें जुपिटर में ही देखने को मिला है। तो गाइस अब इसके बाद मैं इसका राइड रिव्यू करूँगा, तो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके उस वीडियो में आपके साथ इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँगा, सस्पेंशन की बात करूँगा,
और काफ़ी अनेक चीज़ों की बात करूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो को देखने के लिए, वो वीडियो जल्दी आएगी इसके बाद। और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में गाइज़।